ने अपने बच्चे को बुलाने के लिए कहा कि लो बेटा चीज खजूर देती हूं, तो हुजूर ने फरमाया तेरे पास खजूर है? अर्ज की हुजूर है। फरमाया अगर तू खजूर ना रखती तो तूने झूठ बोला था। यानी जो दीन आपको छोटे बच्चे से भी सच बोलने का दरस देता है, छोटे बच्चे से भी, एक छोटे बच्चे के साथ भी आप कलाम करें तो सच्ची बात करें, ताकि वो बच्चा आदम एतमाद का शिकार ना हो, वो आपके बारे में ये गुमान करे कि यहां से मुझे जो बात मिलेगी बिल्कुल खैर की मिलेगी। बात चूंकि ज्यादा करनी नहीं, असर का वक्त भी करीब है, और चूंकि बहुत सारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इतनी देर मशायक को बिठाना बेहतर नहीं होता। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में बगदाद के सब लोग जमा होकर हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर बारिश नहीं हो रही, महीनों बीत गए, जानवर भी भूखे हैं प्यासे हैं, फसलें भी हमारी परेशानी का शिकार हैं, आप मेहरबानी फरमाएं दुआ कर दें। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये मेरी खानकाह के सामने ना एक दुकानदार है, हम अपनी जुबान में करियाने वाला कहते हैं, ये दुकानदार है, घी बेचता है गुड़ बेचता है, इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। ये ना दुकानदार से, अल्लाह अकबर। तब सारे उसको जानते थे, वो उनके इलाके का था, कहा हजरत जी उससे दुआ कराएं। फरमाया तुम्हें कहा है ना कराओ बारिश हो जाएगी। लोग जमा होके चले गए उससे जाके, कहा मियां दुआ कर दो बारिश के लिए। तो वो कहने लगा मुझे कहां दुआ आती है। लेकिन चले कुर्रा से माजरत के साथ, लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ्फुज़ से नहीं, अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। कहा जनाब दुआ कर दें। कहा मुझे तो मुझे कहां दुआ आती है, हजरत से कराओ। कहने लगे उन्होंने भेजा है। कहा शेख ने भेजा है तो कर देते। हाथ उठाए, सादा आदमी सादे जुमले। कहने लगा अल्लाह तेरे बंदे आए हैं और तेरे बंदे ने भेजे, बारिश के मुतलाशी हैं, तू करीम है करम फरमा दे। लोग कहते हैं कोई आसार नहीं थे, पर उसकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई कि काली घटाएं छा गई और बारिश इस तरह जम के बरसी के जल थल हो गया। बाकी लोग तो चले गए, अहले दिल हजरत मारूफ करखी की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर ये तो हमारे साथ नमाज पढ़ता है, क्लास फेलो है, इसी मोहल्ले में पैदा होके बड़ा हुआ है, कोई रात को अलग से आके नमाज पढ़ता है? फरमाया नहीं, उतनी ही पांच नमाजें जितनी तुम पढ़ते हो, वही इसका हाल है, कुछ ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर। अर्ज की हुजूर फिर कोई तो खूबी होगी कि कबूलियत उसकी दुआओं की इतनी करीब है कि वो कशकोले तलब पूरा फैलाता भी नहीं कि रहमत बरसती है हुजूर कोई बात। तो हजरत मारूफ करखी की बूढ़ी आंखें चमकदार हुई, चंद आंसू कतरे बन के टपके, फरमाने लगे 35 साल हो गए मेरे सामने दुकान करते, गरीब का गरीब रह गया, लेकिन इसने गाहकों के साथ सच बोला है, इसने सौदा पूरा तोला है, इसने अल्लाह के बंदों को लूटा नहीं। वो जो 35 साल रब की बात माने ना, वो जब हाथ उठा दे तो रब भी मान लिया करता है। बस इतनी बात है, उसने 35 साल दयानतदारी से वक्त गुजारा, उसका दिल साफ रहा, उसने सफाई के साथ ड्यूटी करी। अब वो जब हाथ फैलाता है तो मालिक भी कबूल कर लेता है। वो मेरे भाई, अगर तबीयतें इस तरह की हों, लहजे इस तरह के हों कि हम ना बहुत ज्यादा फैलने की बजाय महदूद हों, लेकिन सच्चे हों, खरे हों, दयानत वाले हों। तारीख हमें बताती है कि हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा जब चले गए ना महबूब करीम अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक अकबर को लेकर गारे सौर में, तो अबू जहल कुछ लोगों को लेकर उनके दरवाजे आया, शोर किया उसने। जनाब अस्मा फरमाती है मेरा घर वो था कि कभी किसी ने नजर उठा के नहीं देखा था, मैं सरदार की बेटी थी, ताकत नहीं थी किसी की, उसने शोर किया तो मैं पर्दा ओढ़े बाहर निकली। कहने लगा कहाँ गए तेरे वालिद, जवानों गौर करना, कोई फायदा नहीं होता फिर भी हम गलत बात करते हैं, कुछ भी नहीं होता फिर भी झूठ बोलते हैं, कुछ दुनियावी नफा भी नहीं, सिर्फ उस मजलस में थोड़ा जायका पैदा करने के लिए दरोग गोई। पास समेटने लगाऊं, सैयदा फरमाती है कि उसने कहा किधर गए हैं? फरमाती है मेरे सामने दो रास्ते थे, एक तो ये था कि मैं सच बोलूं और कहूं गारे सौर में है,
पर ये तो वफा के खिलाफ है, ये तो पहुंच जाएंगे हुजूर को तकलीफ देंगे। और एक ये कि मैं झूठ बोलूं कि मुझे पता नहीं और ये हुजूर की शरीयत के खिलाफ है। आप फरमाती हैं मेरे लिए मुश्किल आ गई, किस तरह झूठ बोलूं, सिद्दीक की बेटी हूं और सिद्दीक अकबर की नूरे नजर हूं, कैसे और सच बताऊं तो कैसे। मैं सोच रही थी तो उसने शोर किया, कहा बताओ कहां है। सुनो मिल्लत के जवानों, एक खातून फरमाती है मैंने सारी हिम्मतें जमा करके कहा अल्लाह मेरी मदद करना। उसने जब तीसरी बार पूछा कहां गए, तो मैंने कहा सुन फिर, मुझे पता है वो दोनों कहां हैं पर मैं बताऊंगी नहीं, मैं सच बोलूंगी। खबर है मुझे वो कच्चा रांगे ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लेंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लेंदा। कहा नहीं बताऊंगी, पता है। इतने बड़े मजमे में इतने बड़े सरदार को इस तरह के जुमले, उसने एक थप्पड़ मार दिया। कितनी कभी किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था, मैं गिरी तो कान फट गया, खून निकला। लोगों ने उसे पकड़ा, यार तू सरदार हो के बच्ची की तरफ देखता है, शर्म कर, लोग ले गए। फरमाती उसी तरह मैंने कान लपेटे। आज जो हाजी गारे 100 रुपए जाते हैं वो बाद में आके मेरी तरह डींगे मारते हैं कि हम हो आए, हम चले गए थे, हालांकि रास्ता बन गया, रास्ते में कई जगह बैठने का बंदोबस्त है। लेकिन उस वक्त जाना और रात को जाना और इतनी मुश्किल से जाना। फरमाती हैं मैं खाना पका के उसी तरह ले गई और मेरा वजूद, मेरा कान जख्मी था। जब मेरा चेहरा पर्दे में लिपटा हुआ देखा तो मेरे वालिद परेशान हुए, बेटे क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं, खाना खाइए। और जब वहाँ अंदाज और तरह का हो गया, परेशानी बड़ी, तो महबूब बोले कासमा बताती क्यों नहीं। कहती हैं मैंने वो कपड़ा हटाया तो खून फिर बहने लगा। अर्ज की या रसूल्ला, मामला ये था कि सच भी बोलना था, वफा भी बचानी थी। हुजूर मैंने दोनों चीज़ें बचाई, थोड़ी तकलीफ आई पर दोनों चीज़ें बच गईं। हल्के से आंसू हजरत सिद्दीक अकबर के निकले, कुर्बान जाएं हुजूर ने खुद अपने हाथों से साफ कर दिए। एक बारी मेरी अखियां चो ऊना ने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। महबूबे करीम ने तसल्ली दी और फिर हाथ उठा के कहा अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा, मैं राजी हूं तो राजी हो जा। अपने जुबान पर आपने इस्लाह मुआशरा नाम रखा। तो कुरान कहता है तुम सीधी बात करो, युसलिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल सवार देगा। अल्लाह ताला तमाम